And both that morning equally late, in leaves no step had trodden black. तीसरे स्टंजा में कवि कहता है कि उस सुबह दोनों सड़कें बिल्कुल एक जैसी लग रही थी और उन पर जो गिरी हुई पत्तियां हैं उस पर कोई नहीं चला था, जिसके कारण वो काली नहीं पड़ी थी. ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. कवि के मन में एक विचार आता है कि मैं पहले वाली सड़क को दूसरे दिन के लिए चुन लूंगा, अर्थात मैं पहली वाली सड़क पे दूसरे दिन जाऊंगा, आज मैं दूसरी वाली ही ट्राई कर लेता हूँ. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. कभी कहता है फिर भी वह जानता है कि कैसे उस पर जाया जा सकता है. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. फिर भी मैंने संदेह किया कि क्या मैं वहां से वापस आ पाऊंगा, अर्थात जो दूसरी वाली सड़क पर मैं जा रहा हूँ, जाते 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 कहीं ऐसा ना हो कि फिर मैं वहां से वापस आ पाऊ. तो ये था आपका शब्द ऐसे ऐसे हैं जो कि सिंबल के लिए हैं, लेकिन इसका रियलिस्टिक मीनिंग ये है कि जब एक इंसान एक ऐसी स्थिति में खड़ा होता है जहां पर उसके सामने दो लक्ष्य होते हैं और दोनों लक्ष्य को वो कर सकता है, तो उसे कोई एक लक्ष्य चुनना चाहिए जिस पर वो बहुत आगे तक जा सकता है और दोनों लक्ष्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और जिस पे जाना चाहिए उसको अंत तक चले जाना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये लक्ष्य पे चले जाएं फिर आधा छोड़कर वापस चले आए वगैरह, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. फिर कभी कहता है कि जब कुछ युग बीत जाएंगे तो मैं एक दुख के साथ कहूंगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड. एक जंगल में दो रोड दिखाई पड़े थे जो कि अलग अलग दिशा में डाइवर्ज हो रहे थे, जा रहे थे. एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई. और मैंने एक रोड चुना जिस पर कम चला गया था, अर्थात जिस पर लोग कम गए थे. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और इसी कारण सारे अंतर हो गए. तो इसका रियलिस्टिक मीनिंग ये है कि जब हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेना चाहिए कुछ और ले लेते हैं कुछ, तो फिर हमें एक पछतावा रहता है कि काश हमने ऐसा ना किया होता तो आज ये अंतर ना होता. तो ओवरऑल इसमें ये बताया गया है कि हमें अपना करियर बिल्कुल सटीक चुनना चाहिए और उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए. सो ये था स्टंजा. धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें.